चैन जा भारत। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉक 24। आज हम बात करेंगे रीजोनिंग के बारे में, जिसमें हम मिक्स रीजोनिंग देखेंगे। जो रीजोनिंग आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। कम से कम अगर देख तो लो, अगर आता है तो अच्छी बात है, कमेंट करके बताइए, अगर नहीं आते तो सीख लो, ठीक है। तो ये सारी रीजोनिंग SSC, बस SSC में आती है तो नहीं, ज़रूरी नहीं है, हर एक एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आज के। तो ये हम इसमें ट्रायंगल दिखेंगे, जो कहते हैं त्रिभुज। त्रिभुज निकलने की काफ़ी सारी वीडियो मैंने अपलोड कर दी, ठीक है। हम यहाँ पे रिवीजन भी हो जाएंगे, साथ में मिक्स हम करेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे हम बता पाएंगे कि यहाँ पे कितने ट्रायंगल है, जैसे हम ऐसे गिनती हम कर सकते हैं, ऐसे 1, 2 ऐसे कर गिनती कर सकते, लेकिन हम शॉर्टकट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पे नंबरिंग करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4। तो शॉर्टकट फॉर्मूला ये है कि ये इसको आप जो नंबरिंग की है उसको आप जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4। हम जोड़ देंगे तो कितने मिल जाए, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 हो गया 10। यानी कि यहाँ पे कितने ट्रेंगल हैं, यहाँ पे 10 ट्रेंगल है, ये आपके आंसर है, ठीक है। आपको समझ में आ गई है, यदि आपने पिछले वीडियो देखी है तो आपको समझ में आएगी, ठीक है। अगर नहीं देखी तो और एक बार मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करने के बाद जो जितने भी नंबरिंग आएंगे उसको हम प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो फाइनली आंसर आएंगे वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। हम दूसरा देखेंगे दोस्तों, ये हमारे दूसरे टाइप के हैं, बस इसमें एक एक्स्ट्रा आ गया, ये वाला डिवाइड। तो हम ऐसे भी सेम प्रोसेस से हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे, सेम हम नंबरिंग करेंगे, 1, 2, 3, 4। तो हम उसी प्रकार यहाँ पर गिनती करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4। हमें यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितने मिल जाएंगे, 10 मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, यानी कि यहाँ पे भी आपको कितने मिल जाएंगे, 10 मिल जाएंगे। जो ये दोस्त और ये दोस्त हमें जोड़ देंगे तो आपको कितने मिल जाएंगे, 20। यानी कि यहाँ पे कितने ट्रेंगल है, 20 ट्रेंगल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे और एक मिल जाता, और एक पार्ट मिल जाता तो क्या होता। तो उसी प्रकार हम यहाँ पे भी नंबरिंग करते, 1, 2, 3, 4, यानी कि यहाँ पे भी हमें 10 मिल जाते, तो कितना हो जाता, टोटल आंसर नंबर 30 हो जाता, यानी कि 30 हो जाता। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, देखो यहाँ से ये एक पार्ट हो गया, फिर यहाँ से ये एक पार्ट हो गया, और यहाँ से ये एक पार्ट हो गया, यानी कि तीन पार्ट आपको देखने मिल जाएंगे, यहाँ से एक। तो आप सीधा कर सकते हो, ये पूरा जोड़ कर जो 10 हमें मिल गया, दो उसको आप 3 से इंटू कर दो, तो आपको कितने मिल जाएंगे, 30। ये एक शॉर्टकट पद्धति है, ये दोनों पद्धति अप्लाई करके आप जल्द फटक से आप निकल सकते हो एग्ज़ाम में, ठीक है। समझ में आ गई है, देखते दूसरे टाइप की। दोस्तों हमारा ये जो आ गया ये दूसरे टाइप के हैं, इसमें भी हमें ट्रेंगल निकालनी है। देखो दोस्तों, जो मैं आज बताऊँगा ये आपको ध्यान रखनी है, जो हमें त्रिभुज निकालने की बात की है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे जो, तो आप देख सकते हो यहाँ पर त्रिभुज की बात की है। तो त्रिभुज अगर हमें निकलना है तो इस पद्धति से हम निकल सकते हैं, या इस पद्धति से हम निकल सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारा त्रिभुज तो है, ये एक एक हम देखेंगे, इसको आपको त्रिभुज देखने के लिए मिल जाएंगे, एक पार्ट देखेंगे, लेकिन ये आप देख सकते हो ये बॉक्स दे रखा है, एक बॉक्स है, ये पूरा एक बॉक्स है। तो इसकी पद्धति डिफरेंस होते हैं, ठीक है। जो पद्धति हम देखेंगे वही पद्धति, सबसे पहले आपको नंबरिंग करनी है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। अगर आपके इस टाइप के बॉक्स दिए रखे हो, बॉक्स के अंदर आपको ट्रेंगल निकालना है, यानी कि त्रिभुज निकालना है, तो आप ये पद्धति अप्लाई कर सकते हो। देखो नंबरिंग करने के बाद सबसे पहले जो बड़ा संख्या है वो आपको देखनी है, सबसे बड़ा कितना है, 6, तो 6 आपको यहाँ पे लिखनी है, और आपको इनको हमेशा याद रखना 2 से इंटू करनी है, ठीक है। अगर आपको त्रिभुज निकालने के लिए बोलेंगे और बॉक्स के अंदर त्रिभुज दिया होगा, ये एक बॉक्स है और इसके अंदर आपको अगर त्रिभुज निकालने के लिए बताएंगे, तो आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के बाद जो हाईएस्ट, सबसे बड़ा जो संख्या है, उनको 2 से इंटू कर देना है, तो आपको कितने मिल जाएंगे, 12। यानी कि यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं, हमें 12 त्रिभुज है, यही आपके आंसर है। आ गए समझ में, हम नेक्स्ट देखेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएंगे। देखो दोस्तों, ये हमारा दूसरे टाइप के हैं, मतलब कि टाइप सेम ही है, बस हमें यहाँ पर ज़्यादा आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, प्रोसेस हमारा वही है। सबसे पहले आपको नंबरिंग करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7,
ठीक है। तो हम तो आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर बॉक्स के अंदर आपको त्रिभुज निकालने के लिए बताएंगे, तो देखो ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज है, ठीक है। लेकिन ये बॉक्स के अंदर है, तो बॉक्स के अंदर आपको त्रिभुज निकालने के लिए बताएंगे। तो नंबरिंग करने के बाद जो सबसे बड़ा संख्या है ये 7, 7 × आपको 2 करनी है, ये हमेशा याद रखनी है। तो बॉक्स के अंदर आपको बताएंगे तो हाईएस्ट से जो सबसे बड़ा संख्या है उसके साथ 2 आपको इंटू करनी है। तो 7 × 2 करेंगे तो आपको कितने मिल जाएंगे, 14 मिल जाएंगे, 14। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल हैं, 14 ट्रायंगल हैं। आ गई समझ में बात, ठीक है ना। यदि बात समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर लाइक करें, ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं। दोस्तों हम यहाँ पे दूसरे टाइप की ले लिया जो कि बॉक्स के अंदर है, या भी आपको बॉक्स के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे हमको कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है। पिछले जो हमने किया उसे एक एक ही प्रकार रखी है, लेकिन यहाँ पे एक वो एक्स्ट्रा बॉक्स दे रखा है, ठीक है। आपको यह ध्यान रखनी है, तो वही हम फॉर्मूले यूज़ करेंगे। सबसे पहले बाहर वाली हम देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखो नंबरिंग करने के बाद हमें क्या मिलेंगे, हमें हमारा वही पद्धति है। सबसे पहले बड़ा वाला संख्या हम लेंगे हाईएस्ट, 8 × कितना करना है, 2 करनी है। तो हमें कितनी मिल गया यहाँ पे, 16, ठीक है। फिर अंदर वाली जो है, अंदर वाली भी हमें गिनती करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे भी आपको 8 मिल गई, तो यहाँ पे भी आपको सेम करनी है। तो कितने मिल जाएंगे, 16, ठीक है। हम इसको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद आपको कितने मिल जाएंगे, 32, ठीक है। 8, 32 आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। समझ में आ रहे, उसी प्रकार हमें देखो, मैं एक चीज़ आपको बताया कि हमेशा आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो कि बॉक्स के अंदर आपको त्रिभुज निकलने के लिए बताएंगे, तो आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के बाद जो हाईएस्ट आपको डिजिट देखने के लिए मिल जाएंगे, वो डिजिट को 2 से इंटू करनी है। तो हमारे 2 है, 2 बॉक्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, तो उसी प्रकार हमने 2 कर लिए। अगर मान लो आपको और एक यहाँ पे बॉक्स देखने के लिए मिल जाते, तो और एक बॉक्स देखने के लिए मिल जाते, तो फिर उसी प्रकार आपको यहाँ पे नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के बाद जितने संख्या आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, हाईएस्ट वाली संख्या को 2 से इंटू करने के बाद आप यहाँ पे जोड़ देते, जितने आ जाते वही आपको फाइनल आंसर हुआ। आ रहा है समझ में बात, अगर समझ में आ रहा है ना जो दोस्तों दोस्तों अगर समझ में आ रहा है ना, अच्छे लग रहा है, तो ज़रूर कमेंट करें या लाइक कर दें, क्योंकि हमें भी पता चले कि आपको वीडियो से हेल्प हो रहा है, ठीक है। बस इतना ही चाहते हैं दोस्तों। ये हमारा दूसरे टाइप की है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको बॉक्स भी दे रखा है और आपको ट्रेंगल भी दे रखे हैं। तो हमको ये सारी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे 100%, जो भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये कन्फ्यूजन वाली है, और एग्जामिनर आपको ये टाइप की क्वेश्चन आपको दे देंगे 100%, ठीक है। घबराना नहीं, हम इसमें भी ट्रिक अप्लाई करेंगे जो कि अच्छे वाले ट्रिक है, और आपको याद रखेंगे हमेशा के लिए, ठीक है। तो हमें सबसे पहले वही बॉक्स वाली फॉर्मूले यूज़ करेंगे। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपको पता है अगर बॉक्स के अंदर है जो हाईएस्ट वाली संख्या हम ले लेंगे, इंटू 2 करेंगे, 2 से इंटू करेंगे, तो कितने मिल जाएंगे, 16 मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपके ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि और एक त्रिभुज आपको यहाँ पे दे रखे हैं। तो त्रिभुज वाले हमारा फॉर्मूले क्या था, जो हम सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करने के बाद जितनी भी संख्या है उसको हम प्लस कर देंगे, 1 + 2। ये कौन सा टाइप की हो गया, 1 + 2, ये जो सिंगल त्रिभुज के बारे में, जो यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे कोई बॉक्स के अंदर है नहीं, तो ये त्रिभुज वाले फॉर्मूले यूज़ होंगे, ठीक है। जो अगर आपको याद नहीं आ रहे तो वीडियो पॉज करके बैक करके आप देख सकते हो त्रिभुज वाले फॉर्मूले को, ठीक है। तो हम 2 करेंगे तो आपको कितने मिल जाएंगे, यहाँ पे 3, यहाँ 16 के साथ हम 3 प्लस करेंगे तो कितने मिल जाएंगे, 19। तो आप सोच रहे होंगे कि 19 ही हमारा फाइनल आंसर है, बिल्कुल नहीं है, 19 आपका फाइनल आंसर नहीं है, मैं बता रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये जो है, ये त्रिभुज आपने बना लिए, त्रिभुज के साथ में ये भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, नहीं तो ये त्रिभुज कैसे होंगे, ये भी जुड़ा हुआ है। तो ये एक और ये एक यहाँ पे ये रह गया यहाँ से एक, तो इसको आपको जोड़ देना बस, 2, ये एक ये एक, तो इसके साथ भी 2 प्लस करनी है, यानी कि यहाँ पे कितने त्रिभुज है, 21 त्रिभुज है। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप के दोस्तों। ये हमारा दूसरे टाइप के, जो कि फेरी फेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन है हमारा, जो कि आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। जितने भी पुराना क्वेश्चन है आप उठा के देख लेना, आपको इस टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है।
तो हम वही प्रोसेस करेंगे। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक हमारा बॉक्स है, और यहाँ से यहाँ तक हमारा एक बॉक्स है, यानी कि हमें यहाँ पे कितने बॉक्स देखने के लिए मिल जाएंगे, दो बॉक्स देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। यानी कि बॉक्स वाले फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ होंगे, तो बॉक्स वाले फॉर्मूले यूज़ हम करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो सबसे बड़ा वाला हमें लेना है 4 इंटू, किसको करना है 2 से, तो हम कितने मिल जाएंगे 8। इसी प्रकार यहाँ पे भी हम करेंगे 1, 2, 3, 4, यानी कि यहाँ पे भी हमें मिल जाएंगे 4 इंटू 2, बॉक्स वाले जो फॉर्मूले हैं यहाँ पे 8। हम दोनों को जोड़ देंगे जो, तो दो बॉक्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आपको कितने मिल जाएंगे 16। तो ये 16 आपके फाइनल आंसर नहीं है। अगर आप हरवड़ी से जल्दबाजी से 16 करके आ जाएंगे तो आपको गलत हो जाएंगे, और 16 आपको आपकी ऑप्शन में देखने के लिए मिल जाएंगे। 100 100% ऑप्शन में आपको 16 दिए जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे 16 करके आ जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे 16 नहीं है। कैसे नहीं है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दो बॉक्स आप देख सकते हो, यहाँ पे दो बॉक्स जुड़ा हुआ है। अगर दो बॉक्स जुड़ा हुआ है तो आपको ये भी चीज़ हमेशा याद रखना, जैसे कि बॉक्स वाली में हाइएस्ट जितने 12 संख्या है उनके साथ 2 इंटू करनी है, ये हमेशा याद रखनी है। उसी प्रकार अगर दो बॉक्स जुड़ा हुआ है तो ये इसमें भी आपको ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पे दो पॉइंट आप देख सकते हो, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, जहाँ पे दो क्रॉसिंग हो रखा है, साइड वाला क्रॉसिंग नहीं, मिडिल वाला क्रॉसिंग, साइड वाला क्रॉसिंग को आपको छोड़ना है। मिडिल वाला क्रॉसिंग जितने भी क्रॉसिंग आपको देखने को मिल जाएंगे, ये एक और ये एक, यानी कि आपको इसके साथ 2 प्लस करनी है, तो कितना होगा 18 होगा, ठीक है। आपको समझ में आ रही है मेरा बात। बॉक्स वाली फॉर्मूले यूज़ करने के बाद आपको अगर दो बॉक्स जुड़ा हुआ है, जितने भी पॉइंट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे क्रॉसिंग, उतने प्लस कर देनी, तो आपको कितने आंसर होंगे यहाँ पे 18 18 ही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। हम इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे ज़्यादा, ठीक है। तो दोस्तों उसी प्रकार की हमने और एक चीज़ रखी है, जिसमें पहले वाले में हमने दो बॉक्स रखा था, इसमें और एक ज़्यादा बॉक्स भरा दिए, क्योंकि आपको समझ में आए, इसीलिए हमने और एक बॉक्स ज़्यादा करके दिया है, ठीक है। तो हम उसी प्रकार हम फर्स्ट नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो हमारे बॉक्स वाले फॉर्मूले हाईएस्ट 4 इंटू 2 करनी है, तो हमें कितने 8 मिल जाएंगे। यहाँ पे भी नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, तो हम उसी प्रकार यहाँ पे भी करेंगे 2। ये मत कहना कि 2 कहाँ से आ गया। जो बॉक्स वाले हमारे फॉर्मूले हैं, जो नंबरिंग करने के बाद जो हाईएस्ट वाली संख्या होते हैं उनके साथ हम 2 इंटू कर देते हैं, 2 इंटू करने के बाद हमें ये मिल जाते हैं जो बॉक्स वाले फॉर्मूले हैं। तो हम यहाँ पे भी उसी प्रकार करेंगे 2, 3, 4, यानी कि हमें भी यहाँ पे 4 मिल जाएंगे, 2, 8। हम तीनों को जोड़ देंगे, यानी कि 3 बॉक्स हो गया, तीनों को जोड़ देंगे, 24 हमें मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन 24 हमारा फाइनल आंसर नहीं है। किस लिए नहीं है, मैंने आपको पिछले बार क्वेश्चन में आपको बताया कि जितने भी पॉइंट आपको मिडिल में मिल जाएंगे, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, दो, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, 4 पॉइंट हो गया। आप बोल सकते हो कि ये भी तो एक पॉइंट है, लेकिन आपको मैंने बताया कि हमेशा याद रखना साइड वाली पॉइंट को आपको नहीं पकड़ना, मिडिल वाली पॉइंट, ये मिडिल है, ये मिडिल, ये मिडिल, ये मिडिल, ये साइड वाली हो गया कॉर्नर, इसको आपको नहीं देना, यानी कि 4 आपको देखने मिल जाएंगे, 1, 2, 3, 4, तो इसके साथ 4 आपको प्लस कर देनी है, यानी आपको यहाँ पे कितने मिल जाएंगे, यानी कि आपको यहाँ पे कितने मिल जाएंगे 28, यानी कि 28 त्रिभुज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। समझ में आ रही बात दोस्तों? अगर समझ में आ रहा है ना तो ज़रूर लाइक कर दो यार, ज़रूर लाइक कर दो, क्योंकि ये सारी रीजनिंग आपके हर एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब तभी विश्वास करोगे जब आपको जब भी एग्ज़ाम में बैठने के बाद आपको इस प्रकार की रीजनिंग आपको देखने के मिल जाएंगे, ठीक है।